हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम फिर आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पांच ऐसी टिप्स जो कि आपको मसल बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। टिप नंबर वन, कीप चेंजिंग योर वर्कआउट शेड्यूल। क्योंकि अगर आप एक ही तरीके का वर्कआउट शेड्यूल बहुत लंबे समय तक फॉलो करते हैं तो आपकी बॉडी जो है यूज टू हो जाएगी और रिजल्ट नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि आपको हर 6 से 8 हफ्ते में अपना वर्कआउट शेड्यूल में चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे कि मंडे को आप अपना चेस्ट ट्रेन करते हैं, जो कि 90% लोग मंडे को चेस्ट ही ट्रेन करते हैं, तो वैसे ही जब आप 6 से 8 हफ्ते बाद अपने वर्कआउट शेड्यूल में चेंजेस करेंगे तो आप मंडे को चेस्ट के साथ जो है ट्राइसेप ऐड करेंगे, वैसे ही बैक के साथ बाइसेप ऐड करेंगे। ऐसे ही आप रेपिटेशन में चेंजेस कर सकते हैं। मान लो आपने 6 से 8 हफ्ते 12 से 15 रेपिटेशन किया, उसी तरीके से जब आप 6 से 8 हफ्ते बाद अपने वर्कआउट शेड्यूल में चेंजेस करेंगे तो आप जो है 10 से 12 रेपिटेशन करेंगे। तो दोस्तों, इस वर्कआउट शेड्यूल में चेंजेस करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आप जो है जब 6 से 8 हफ्ते बाद अपने वर्कआउट शेड्यूल में चेंजेस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा वर्कआउट शेड्यूल मसल बिल्ड करने में ज़्यादा हेल्प कर रहा है, तो आप उस वर्कआउट शेड्यूल को जो है लंबे समय तक फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी टिप्स नंबर वन। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे टिप्स नंबर टू की तरफ। टिप्स नंबर टू, कैलरी सरप्लस। तो दोस्तों, अगर आप सच में मसल बिल्ड करना चाहते हो, मसल बिल्डिंग को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो, तो आपको जो है कैलरी सरप्लस में रहना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि आपको बहुत खाना पड़ेगा। आपको 5 से 6 मील दिन भर में लेनी पड़ेगी। हर मील का पोर्शन जो है वो अपने वेट के हिसाब से रखेंगे, तब जाकर आप कहीं मसल बिल्ड कर पाएंगे। और आप जो 5 से 6 मील दिन भर में ले रहे हैं उसमें 3 चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। नंबर 1 प्रोटीन, नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 3 फैट। यानी फैट का मतलब ये थोड़ी ना है कि फैट के नाम पे आप कुछ भी खाने लगे, जंक फूड खाने लगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको जो है गुड फैट लेना है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये तीनों चीज़ जो है आपको मसल बिल्डिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो टोटल कैलरीज आपको दिन भर में जितनी भी लेनी है उसमें से जो है आप 35% जो है प्रोटीन से लेंगे, 50% जो है आप कार्बोहाइड्रेट से लेंगे और बाकी जो 15% बची हुई कैलरीज है वो आप जो है फैट से लेंगे। एक बात और, अगर आपको सच में मसल बिल्ड करना है तो आपको हर 3 घंटे से पहले पहले आपको खाना पड़ेगा। अगर आपको मसल बिल्ड करनी है तो आप खाने की आदत डाल लो, क्योंकि आपको खाना ही पड़ेगा। क्योंकि मसल बिल्डिंग का सिर्फ एक ही रास्ता है, जो कि है डाइट। आपको खाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी टिप नंबर 2। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी टिप नंबर 3 की तरफ। टिप नंबर 3, रिकवरी। आपने अच्छा वर्कआउट किया, अच्छी डाइट ली, लेकिन उसके साथ साथ जो है आपको रिकवरी भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हो तो आपकी मसल जो है वो ब्रेक होती है। मसल बिल्डिंग शुरू होती है जिम के बाहर जब आप रिकवरी करते हो, जिसके लिए आपको रात में कम से कम 7 से 8 घंटा सोना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत अच्छे रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी मसल ग्रोथ होने में बहुत हेल्प होती है। इसके साथ साथ आपको 15 दिन में एक बार मसाज कराना बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या होता है आपकी स्किन लूज रहेगी, आपको बेटर ब्लड फ्लो होगा, जो कि आपको मसल ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और जो लोग एक्सरसाइज के बाद जो है स्ट्रेचिंग नहीं करते, वो एक्सरसाइज के बाद स्ट्रेचिंग ज़रूर करें। इससे क्या होता है आपकी मसल जो है वो रिलैक्स होती है, आपको रिकवरी में हेल्प मिलती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी टिप नंबर 3। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली टिप की तरफ, जो कि होगी टिप नंबर 4। टिप नंबर 4 इज कार्डियो। अगर आप मसल बिल्डिंग कर रहे हैं तो आपको जो है कार्डियो ज़रूर करनी चाहिए। इसमें जो है आप 20 मिनट जो है साइकिलिंग कर सकते हैं और मॉर्निंग वॉक करना चाहे तो वो कर सकते हैं। हफ्ते में 2 से 3 बार जो है आपको कार्डियो सेशन ज़रूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी टिप नंबर 4। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी टिप नंबर 5 की तरफ। टिप नंबर 5, सप्लीमेंट। बिगनर्स जो हैं वो जिम आते ही ये सोचते हैं कि सप्लीमेंट से ही बॉडी बनती है, ऐसा नहीं है। अगर आप नए हैं, अभी जिम शुरू किए हैं, तो आप जो है अपनी डाइट पर ध्यान दें। और अगर आपको कुछ समय हो गया, जैसे 3 महीने 4 महीने 6 महीने हो चुके हैं, तब जाके आप जो है ये 3 सप्लीमेंट ले सकते हैं, वे प्रोटीन, क्रिएटिन
और प्री वर्कआउट। वे प्रोटीन में क्या है दोस्तों, ये जो है आपके मसल, जब आप वर्कआउट करते हैं आपकी मसल ब्रेक होती है तो ये आपकी मसल की रिकवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, और क्रिएटिन जो है वो आपको जो है मसल को जो है ग्रो होने में वो हेल्प करती है। और प्री वर्कआउट, जब आप वर्कआउट करने से पहले जो है, जब आप प्री वर्कआउट लेते हैं तो आप जब आके जिम करते हैं तो ये आपको एनर्जी देता है आप, ताकि आप जो है अच्छे से वर्कआउट कर सकें। तो दोस्तों ये तीन सप्लीमेंट जो है आप अगर चाहें तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो जो है आप जो है अपनी नेचुरल डाइट पर ध्यान दें, उससे भी बॉडी आपकी बन सकती है। बस आप जो है सही तरीके से वर्कआउट करें, सही तरीके से डाइट लें। तो दोस्तों ये थी हमारी 5 टिप्स, अगर आप मसल बिल्ड करना चाहते हैं तो ये 5 बातों का जो है ज़रूर ध्यान रखें। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो है बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली जो है नई अपडेट आप तक बहुत आसानी से पहुँच सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।